असल वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं और उसमें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे हमेशा याद रखिये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आती है और ये डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने बात की थी कि वो सात तरह की होती हैं, सात ग्रुप्स होते हैं दो ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज एंड रीजन आइए आज देखते हैं कि हमारे पास तीसरी रीजन कौन सी है और वह तीसरी रीजन है कंजंक्शन ऑफ पर्पज कंजंक्शन ऑफ पर्पज का मतलब ये है कि हम ये वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आएंगी और वो डिपेंडेंट क्लॉज किसी पर्पस को पॉइंट आउट कर रहा होगा ये कंजंक्शन दो हैं आइए देखते हैं हैं कि पहली कौन सी है पहली है सो so दैट और दूसरी है इन ऑर्डर दैट ये एक वर्ड के साथ नहीं है बल्कि दो और तीन वर्ड्स के साथ हैं तो आइए हम बनाते हैं सेंटेंसेस सबसे पहले सो so को देखते हैं कि वो कैसे आएगा। टू मूव आई खुड सी बोर्ड बेटर हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे दो आइडियाज होंगे आपने देखना है कि कौन सा आइडिया जो है वो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगा और कौन सा आइडिया जो है वो डिपेंडेंट uh, क्लॉज बनेगा डिपेंडेंट क्लॉज बनकर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आएगा तो आई आस्क हिम टू मूव आई कुड सी तो इसमें अभी आप देखिए कि आपने कहा मूव करने को कहा क्यों कहा आई कुड सी बोर्ड बेटर आपका पर्पज क्या था ये बात कहने का आपका पर्पज इस बात को कहने का यह था कि आप इसलिए उसको मूव uh, करने को कह रहे हैं ताकि आप बोर्ड को बेहतर तरीके से देख सकें तो इसका मतलब है कि जो आई कुड सी द बोर्ड बेटर है ये पर्पस को शो कर रही है ये ये सेंटेंस तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करेंगे और इससे पहले हम सो so दैट लगा देंगे आई आस्ट हिम टू मूव को हम इंडिपेंडेंट रखेंगे तो आई आस्ट हिम टू मूव सो दैट आई कुड सी बोर्ड बेटर आप देखिए कि सो दैट आई कुड सी बोर्ड बेटर जो है ये बेसिकली क्या है

देखते हैं ये in order that है आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से दो सेंटेंसेस हम ऑर्डर दैट की मदद मतलब से जोड़ते हैं वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट शुड रिजाइन अब देखें फिर आपको देखना है कि क्या इसमें पर्पज कंजंक्शन यूज हो सकती है क्या हमारे पास एक ऐसी क्लॉज बन सकती है जिसमें पर्पज मौजूद है तो देखिए दूसरा सेंटेंस जो है द गवर्नमेंट शुड रिजाइन ये पर्पस नजर आता है आपके पहले एक्शन का देवर शाउटिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो पर्पज क्या है क्यों स्लोगन्स लगा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन कर दे तो द गवर्नमेंट शुड रिजाइन जो है ये बनेगा इसको हम हम डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे और इससे पहले इन ऑर्डर दैट लगा देंगे तो आइए देखते हैं दोनों जुमलों को हमने जब एक जुमले में सिंथेसाइज किया तो क्या बनेगा दे वर शाउटिंग स्लोग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट शुड रिजाइन तो इन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट शुड रिजाइन जो है ये क्या है हमारा को शो कर रहा है इस सेंटेंस को इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट शुड रिजाइन दे वर शाउटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो उम्मीद है आपको आज की सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज समझ आई होगी अपना बहुत सा ख्याल रखें टेक केयर सेल्फ थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज